अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीमेंस S7 1200 पीएलसी जो है इसकी वायरिंग कैसे की जाती है और इसको कैसे, ये जो सीपीयू है 1215C डीसी, जो इसमें 1215 है ये इसका मॉडल है। ये जो इसका पहले वाला डीसी है, इस डीसी का मतलब होता है कि पावर, पीएलसी की पावर क्या है, पीएलसी पावर। तो डीसी का मतलब है कि इसकी डीसी पावर है, डीसी 24 वोल्ट इसकी पावर है पीएलसी की। ये जो दूसरे वाला नेक्स्ट डीसी जो होता है, इस डीसी का मतलब होता है इसे मैं कंट्रोल भी यहां पे कर देता हूं। तो इस डीसी का मतलब होता है कि पीएलसी की जो इनपुट है, इनपुट साइड जो है वो डीसी है, डीसी, क्योंकि इसमें पीएलसी की इनपुट साइड जो डीसी 24 वोल्ट है। अदर मुख्तलिफ पीएलसी में 110 और मुख्तलिफ होती है, 110 48 वोल्ट मुख्तलिफ होती हैं। तो इसकी जो इनपुट, जो दूसरे वाला डीसी है ये वाला, इसका मतलब है कि पीएलसी की इनपुट जो है वो डीसी है और डीसी 24 वोल्ट है। अब तीसरा डीसी ये वाला है, कंट्रोल भी, तीसरे वाला डीसी का मतलब है कि आउटपुट जो है इसकी, आउटपुट डीसी टाइप है, डीसी पीएनपी है, इस पीएलसी की आउटपुट डीसी पीएनपी। पीएनपी का मतलब है कि 24 वोल्ट पॉजिटिव आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, 24 वोल्ट पॉजिटिव आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं, क्योंकि नेगेटिव देंगे तो डायरेक्ट गुजार देगा, क्योंकि इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो अगर ये डीसी रिले होती तो आपने इसको फिर इस जगह पे, आपने जो लास्ट वाला डीसी है इसकी जगह पे आ जाना था रिले, तो रिले में से आप कोई भी वोल्ट गुजार सकते थे, उसमें कोई नहीं था। फिर आउटपुट पर आप डीसी या अवर एसी दोनों गुजार सकते थे, चाहे वो आपके 24 वोल्ट एसी हो या अवर डीसी हो या अवर 220 वोल्ट हो, तो वो आपके रिले में से गुजर जाने थे। लेकिन अगर जो ट्रांजिस्टर में आ जाएगा तो वहां पे पॉजिटिव 24 वोल्ट होंगे, वो पीएलसी के डिसाइड के मुताबिक होगा कि एनपीएन है और के पीएनपी है। तो इस पीएलसी में हमारा जो मॉडल है 1215C, इसमें टोटल डिजिटल इनपुट 14 है, डिजिटल आउटपुट जो है ये ट्रांजिस्टर टाइप है 10 आउटपुट है, और इसमें एनालॉग इनपुट 2 है और एनालॉग आउटपुट 2 है। इसकी एक्सी को पॉजिटिव 24 वोल्ट दिए, यहां पे मैंने ये लिखा हुआ है कि जो ब्राउन वायर है मेरी ये शो कर रही है 24 वोल्ट डीसी प्लस को, और जो ब्लू वायर है ये शो कर रही है 0 वोल्ट डीसी को। तो ये मैंने अपनी पीएलसी को पावर दी है 24 वोल्ट डीसी पीएलसी को मैंने अपनी 24 वोल्ट डीसी पावर दी हुई है। तो 24 वोल्ट डीसी पावर दी तो इसकी पावर ऑन हो जाएगी पीएलसी की। तो पीएलसी की जब मैंने पावर ऑन की है तो ये ऑन हो जाएगी। तो इस पीएलसी में देखें 14 इनपुट्स हैं, 8 इनपुट ये पहले सेक्शन में है 0.0010.7, 8 इनपुट्स यहां तक है और 6 इनपुट्स ये आ गए हैं 0 से लेके 5 तक। तो टोटल 14 इनपुट्स हैं इस पीएलसी में और 2 एनालॉग आउटपुट्स हैं। तो 2 एनालॉग आउटपुट्स जो 0 से 10 वोल्ट की हैं और 4 to 20 मिलियन पेयर दे सकते हैं, और 2 ही एनालॉग आउटपुट हैं और 10 इसमें आउटपुट हैं ट्रांजिस्टर टाइप। तो इसको 24 वोल्ट डीसी मैंने दी है, तो 24 वोल्ट डीसी देके इसके बाद ये आउटपुट 24 वोल्ट डीसी पीएलसी में से निकलती है। तो इसका ये एल मैंने लेके, ये लेके तो इधर एक सेंसर को दे दी है और एक ऊपर ये मैंने पुश बटन कुछ लगाए हैं, इनको मैंने दे दी है, ये सारे ओपन है। तो ये 24 वोल्ट यहां दे दी है और ये सारे इधर कनेक्ट कर दिए। इसकी जो एम होती है ये कॉमन होती है, तो एम जो है ये सारे इनपुट्स के साथ लिंक होती है नीचे, जैसे ये देखें ये 3-4 मैंने लिंक की है, ये सभी इसी तरीके से लिंक होती हैं। ये देखें तो यहां तक ये सारी आपस में लिंक होती हैं नीचे, ये देखें ये सारी लिंक है यहां पे नीचे, सब ऐसे लिंक है। अब हमने जो भी इनपुट होती है उसको प्रोग्रामिंग में ऑन करने के लिए यहां से सिग्नल हार्डवेयर का जाएगा तो प्रोग्रामिंग में जाके ऑन होगी। तो ये ऑप्टो कपलर लगा होता है, ऑप्टो कपलर को जब तक 24 वोल्ट पूरे नहीं ना होंगे तब तक वो ऑन नहीं होगा। तो अब ये देखें यहां से ये एम को मैंने नेगेटिव वोल्ट दिए हुए हैं
और ऊपर से पॉजिटिव वोल्ट आ रहे हैं, ये नेगेटिव वोल्ट इसको नीचे से ऑप्टो कपलर को सबको कॉमन हो गया है। तो ऊपर से जब मैं ये अपना पुश बटन ऑन करूंगा, ये मैंने अपना पुश बटन ऑन किया तो ऊपर से पॉजिटिव 24 वोल्ट आएंगे और इधर से इसको 0 वोल्ट मिलेंगे, तो ये मेरी इनपुट्स ऑन हो जाएगी। और इसी तरीके से ये बकिया इनपुट भी ऐसे ही ऑन और ऑफ होंगी। और ये मेरा एक सेंसर लगा हुआ है, ये है पीएनपी सेंसर, पीएनपी सेंसर है ये मेरा। पीएनपी सेंसर के आगे जब कोई चीज आएगी, ये मेटल की जो भी हो टारगेट इसका इसके आगे आएगा, तो ये अपनी इनपुट्स को ऑन करेगा। ये यहां से 24 वोल्ट इसको आ जाएंगे और यहां से इसको 0 वोल्ट मिल रहे होंगे, तो ये अपनी इनपुट्स को ऑन करेगा प्रोग्रामिंग में। तो ये है आपका पीएनपी सिस्टम। और अगर इसी सिस्टम को आपने एनपीएन बनाना है, तो एनपीएन बनाने के लिए आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, इस वाली वायर को आप यहां पर अटैच कर दें और इसका कलर मैं ब्राउन कर देता हूं, क्योंकि अब यहां नीचे पॉजिटिव वोल्ट चले गए हैं। और ये वाली जो तार है आपकी, इसको थोड़ा सा इधर कर दें और ये देखें, अब इस सर्किट को मैं सारे को इस कलर के मुताबिक कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। ये क्योंकि अब मैंने सिस्टम अपना कर दिया है एनपीएन टाइप, पहले पीएनपी सिग्नल दे रहा था, अब एनपीएन सिग्नल दूंगा। और पहले जो मेरा ये सेंसर था ये पीएनपी था, अब यहां पे मुझे एनपीएन सेंसर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे नेगेटिव सिग्नल चाहिए। सेंसर की वायरिंग सेम वही होती है, पर एनपीएन पीएनपी में फर्क होता है। अब जो ये नीचे है, ये नीचे मेरा जो है ये, अब क्योंकि अब पॉजिटिव सिग्नल यहां से आना है, तो अब यहां से 24 वोल्ट डीसी यहां जा रहे हैं और यहां से 24 वोल्ट डीसी यहां पर आएंगे ऑप्टो कपलर पे और यहां से इसको नेगेटिव वोल्टेज मिलेंगे। जब मैं इसे ऑन करूंगा तो ये नेगेटिव वोल्टेज ऊपर से आएंगे और पॉजिटिव वोल्टेज यहां से, तो ये 24 वोल्ट पूरे हो जाएंगे, तो ये प्रोग्रामिंग में जाके ऑन हो जाएगा। अभी इसके दो सेक्शन है, 0.0 से लेके 0.7 तक सेक्शन 1 है और 1.0 से 1.5 तक सेक्शन 2 है। तो इसी तरीके से जो है इसमें ये दो प्रोफिनेट की तारें हैं जो कि प्रोग्रामिंग करने के लिए, एक लैन 1 है और एक लैन 2 है प्रोफिनेट की। इधर मैं अपनी केबल कनेक्ट करूंगा जो मेरी होगी प्रोग्रामिंग की केबल, वो मैं अपने यहां पे कनेक्ट करूंगा। और इसकी आउटपुट जो है, मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट है, तो इसमें से आउटपुट पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। मैंने यहां पे आपको बताया भी है कि ये इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और इसकी जो आउटपुट है ये 24 वोल्ट पॉजिटिव ही होगी, ये चेंजेबल नहीं है। तो इसको मैंने 4L प्लस पे पॉजिटिव 24 वोल्ट दिए, 4M पे नेगेटिव वोल्ट दिए, तो ये अपने 24 वोल्ट निकालेगा। तो ये एक मैंने इंडिकेशन लाइट लगाई है कि जीरो पे, तो यहां से पॉजिटिव और ये कॉमन मैंने इसको ये वोल्टेज दिए हुए हैं। और ये एक मैंने रिले की क्वाइल लगाई 24 वोल्ट डीसी की, तो 0 वोल्ट जो है वो उसे यहां से मिलेंगे और जब ये पीएलसी की 0.4 ऑन होगी तो तब इसको यहां से मिलेंगे, और जिससे हमने इसको ऑन कराना होगा तो ये उससे ही ऑन होगी। ये हमारी अपनी वायरिंग पर डिपेंड है कि वायरिंग हमने जहां कनेक्ट की होगी वहीं से ये ऑन होगी। और अगर आपके पास डीसी डीसी रिले पीएलसी है, रिले आउटपुट है, तो रिले आउटपुट के लिए आपको यहां पे अगर आप एसी वोल्ट देंगे तो यहां से आपके एसी वोल्ट निकलेंगे, अगर डीसी वोल्ट देंगे तो आपके डीसी वोल्ट निकलेंगे, सेम इस ड्राइंग के मुताबिक। और अगर इस वीडियो में आपको किसी चीज की समझ नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अपनी दुआ में याद रखिएगा।